लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। नमस्कार। 600 साल पहले संत रविदास जी भारत देश में हुए। बताया जाता है कि संत रविदास जी शुरुआत में कृष्ण जी के भगत थे और उसके बाद उनको कबीर जी मिले और फिर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु बनाया। 600 साल पहले संत रविदास जी ने अपनी वाणी में कुछ भविष्यवाणियां की थी। आज की कंडीशंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो भविष्यवाणियां बिल्कुल ही सही साबित हो रही हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि संत रविदास जी ने क्या भविष्यवाणी की थी। संत रविदास जी की पोथी से, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलंकारी, जो होगा भारी संगारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। संत रविदास जी की भविष्यवाणी माने तो इटली का खात्मा बहुत नज़दीक है और कोरोना वायरस ने जैसे कि इटली को अपनी चपेट में सबसे ज़्यादा लिया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में संत रविदास जी की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है और अगर ऐसा होता है तो भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनकर उभरेगा और एक आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में काम करेगा, ऐसी संत रविदास जी की भविष्यवाणी बता रही है, जो कि 2020 के आते ही सच साबित होती दिख रही है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में आखिर क्या होने वाला है।